मेरे चैनल आज मैं आपको अंगूर का रायता बनाना बता रही हूँ, वो भी ड्राई फ्रूट डाल के बनाऊँगी। ये बड़ा न्यूट्रिशियस, बड़ा हेल्दी होता है। जो मौसमी फल होते हैं तो अगर उसका हम यूज़ तरह तरह से करें तो बहुत फ़ायदा होता है हमें फ्रूट खाने का, और बच्चे भी खा लेते हैं और एक वैरायटी भी मिल जाती है। ये देखिए मैंने अंगूर लिए, कम से कम एक कटोरी अंगूर लिए थे, उसको आधा आधा काट लिए। अब मैं आपको बता रही हूँ, अगर बड़े हैं तो आप तीन काट लें। ये देखिए ये ऐसे अंगूर है, इसमें से सीड लेस है, और इसको ऐसे काट लेंगे, बीच बीच में से काट के ऐसे हम रख लेंगे इसको। बड़े हैं तो आप चार पीस कर सकते हैं, छोटे हैं तो दो कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने काट लिए, ये कटोरी अंगूर है। और मेरे पास दही है आधा किलो, ये मैं थोड़ा कम दही यूज़ करूँगी। मैं तीन से चार बंदों के लिए बना रही हूँ, तो मैं थोड़ा दही, और हम पतला करने के लिए अगर गाढ़ा दही है तो थोड़ा दूध लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए मसालों में ये काला नमक, भुना जीरा, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च, और ये हम लेंगे थोड़ा सारा धनिया और हरी मिर्च थोड़ी सी, ऑप्शनल है। और ये हम लेंगे पीसी चीनी, और ये हमारे पास बादाम और ये किशमिश है, ये ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल लेते हैं, उसमें हम दही डाल लेते हैं। ये मैंने एक से डेढ़ कप दही ले लिया, अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। ये गाढ़ा है तो इसमें हम दही थोड़ा सा ये दूध डाल देते हैं, दो बड़े चम्मच दूध डाल देते हैं। और ये चीनी है एक बड़ा चम्मच। ये मीठा अगर ज़्यादा खाने जाते तो ज़्यादा डालें, अगर नॉर्मल है तो मैंने दो छोटे चम्मच डाल दिए इसमें चीनी। अच्छी तरह से फेंट लेंगे, और इसमें डालते हैं हम काला नमक और काली मिर्च। आप रेगुलर नमक डालना चाहे तो डाल सकते हैं। चीनी, काला नमक, काली मिर्च हमने डाल दिए, देखिए ऐसा होना चाहिए हमारा। अब हम जो हमने अंगूर काटे थे वो हम डाल देते हैं इसमें, थोड़े से हम बचा लेते हैं, ये ऊपर से हम गार्निश करेंगे इसके। झटपट से बन जाता है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये हमारा बनकर तैयार है, मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने डिश आउट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़े से ये चिली फ्लेक्स और भुना जीरा, आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। भुना जीरा इसमें डालना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये थोड़ी सी हरी धनिया है मेरे पास, वो हरी मिर्च भी है थोड़ी सी, वो भी इसमें मैंने काट कर रखी। अब जो हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं ये ऑप्शनल है अगर डालना चाहें तो। ये हमारे पास जो अंगूर थे ये भी हम डाल दें। ये देखिए झटपट से हमारा अंगूर का रायता बनकर तैयार है। ये देखिए आप भी बनाइए, अगर ये अब मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।